हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाउडर के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मेकअप में पाउडर यूज़ किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं और वो कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पाउडर का वर्क क्या होता है। पाउडर का मेन काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेस लगाया जाता है। जब इतना सारा काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फेस की क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग फेस की कंसीलिंग करते हैं। देन हम लोग फेस पर फाउंडेशन की एप्लीकेशन करते हैं। तो इतने सारे काम को हमें सेट करने के लिए पाउडर की नीड रहती है, ताकि पाउडर लगाने से हमें फेस पे एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और जो हमारा बेस है उसकी लास्टिंग और भी अच्छी हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग जब पाउडर एप्लीकेशन करते हैं तो वो हमारे फेस को एक मैट फिनिश देता है, और जो जितना भी मतलब ग्रीसीनेस होता है या ऑयल होता है हमारे फेस पे, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये गर्मियों में हमारे फेस को फेस पे से स्लिप होने से बचाता है। जैसे आपको पता है गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो पाउडर का काम होता है उस स्वेट को दूर करना। और इसका एक और काम होता है, जैसे हमारे फेस पे एक्ने, पिंपल्स वगैरह के जो मार्क्स होते हैं उसको भी एक फिनिशिंग दे देता है अच्छी सी, ताकि वो जो एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हैं या जो भी है हमारे फेस पे अनइवननेस, उसको छुपा देता है और एक बहुत अच्छी सी फिनिशिंग देता है, जिसके कारण फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी आती है। एक फेस जो हमारा होता है बिल्कुल क्लीन हो जाता है जब हम पाउडर की एप्लीकेशन करते हैं। तो पाउडर का भी मेन रोल है हमारे मेकअप में। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास कितनी तरह के पाउडर हम लोग यूज़ में लेते हैं और आपको कौन कौन से रखने चाहिए अपने पार्लर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लूज़ पाउडर्स। लूज़ पाउडर्स में ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी आता है, जो कि बिल्कुल एकदम उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जैसे फेस पर एकदम से सेट हो जाते हैं। बहुत अच्छा होता है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। ये फेस पे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग देता है जो ये पाउडर होता है। इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं होता। मैं आपको इसके दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। ये इस तरह से बिल्कुल एकदम कलरलेस होता है, इस पर कोई कलर नहीं होता। तो आप इसको आराम से, ये देखिए पार्टिकल्स कितने शार्प हैं इसके, और जैसे भी हम इसको फेस पे एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने ब्लशर लगाया हुआ है फेस पे या कॉन्टोर किया है, ये बिल्कुल उसको छेड़ेगा, मतलब उसको बिल्कुल भी हटाएगा नहीं, ये अपनी फिनिशिंग दे देता है। तो हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए आप किसी भी स्किन टोन पर इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इसको ब्लेंड अच्छे से करना होता है। इसी तरह से हमारे पास लूज़ पाउडर्स में और भी कलर आते हैं, जैसे हम स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर्स भी परचेस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मेकअप स्टूडियो ब्रांड के कुछ कलर्स हैं, जैसे इसका 2 नंबर है। तो ये क्या है, नॉर्मल स्किन, जैसे फेयर से थोड़ी सी अगर नीचे स्किन आती है तो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं इस पाउडर को। ये स्किन कलर के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो आपको 2 से 3 शेड लेने होंगे, जिसमें क्या होगा 2 शेड्स ले लेंगे तो मिक्स मैच करके भी बन जाता है। तो जैसे मैंने 1 2 नंबर लिया हुआ है इसमें, और एक डार्क शेड में लिया हुआ है मैंने इसमें ये। तो इन पाउडर्स में हम जो लूज़ पाउडर होंगे इसमें 2 तरह के हम पाउडर खरीद लेंगे, एक डार्क ले लेंगे और एक लाइट ले लेंगे। और जब हमको मीडियम बनाना होगा तब हम उन 2 पाउडर्स को मिक्स कर लेंगे। जैसे कि फाउंडेशन में बताया था कि हम डार्क और लाइट फाउंडेशन परचेज़ कर लेंगे, उसके बाद जब हमें मीडियम टोन का फाउंडेशन बनाना होगा तो वो अपने आप से दोनों को मिक्स करके बन जाता है। इसी तरह से अगर हमें पाउडर को भी मीडियम में बनाना हो तो फेयर और डार्क को अगर हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो वो एक मीडियम कलर का आपका पाउडर बन जाएगा, जो आपको सेट करने में बहुत ईजी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा परचेज करने की नीड नहीं रहती। अगर आप पर्सनल अपना ख़रीद रहे हैं तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कलर ख़रीद सकते हैं, और लेकिन अगर आप पार्लर के यूज़ के लिए इन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ना खरीद के एक फेयर लेंगे और एक आपका डीप में ले लेंगे, ताकि दोनों को मिक्स करके आपका मीडियम टोन बन जाए। तो इस तरह से हमारे लूज़ पाउडर्स हो गए। इसके बाद हमारा आता है प्रेस्ड पाउडर, जो कि हम लोग कॉम्पैक्ट भी कहते हैं जिनको, जो हमारा प्रेस्ड पाउडर होता है जिसको कि हम लोग कॉम्पैक्ट भी कहते हैं। वो बहुत पिगमेंटेड होता है, उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। देन लूज़ पाउडर क्या होता है, उसके पिगमेंट्स अलग अलग होते हैं और इसके पिगमेंट बहुत पास होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में होता है जो कॉम्पैक्ट हमारा होता है। तो ये ऑयल कंट्रोल करने का बहुत अच्छा काम करता है, और इसकी जो फिनिशिंग होती है वो ये जो अपने लूज़ पाउडर होते हैं उससे भी बहुत अच्छी होती है इसकी फिनिशिंग। तो इसके रिजल्ट्स लूज़ पाउडर से ज़्यादा अच्छे होते हैं।
तो बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। दोनों की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कॉम्पैक्ट पाउडर्स का यूज़ हम लोग बिना किसी फाउंडेशन वगैरह के भी कर सकते हैं। जो लोग जॉब पे जाते हैं, अगर उनको नीड होती है हल्की सी फिनिशिंग की फेस की, तो वो लोग कॉम्पैक्ट पाउडर्स का यूज़ करते हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि हमारे जो बड़े लोग होते थे पहले, वो लोग फाउंडेशन वगैरह का यूज़ नहीं करते थे, कॉम्पैक्ट्स का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से अगर आपको पाउडर वगैरह की, मतलब अगर आपको ऑफिस जाते हैं और पाउडर लगाने की नीड है, अच्छी सी फिनिशिंग देने की नीड है, तो आप कॉम्पैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बस ये अंतर है कि जो पहले कॉम्पैक्ट्स आते थे वो इतनी अच्छी रेंज के नहीं होते थे, अब जो कॉम्पैक्ट्स आते हैं उनकी लास्टिंग और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स में आने लग गए, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग देते हैं आपको। तो कॉम्पैक्ट्स पाउडर जो होते हैं वो लूज पाउडर से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप अपने पार्लर में एक या दो कॉम्पैक्ट पाउडर भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने पास PSC ब्रांड के कॉम्पैक्ट रखे हुए हैं, जो कि इस तरह से दिखते हैं। इनके ये देखिए, बिल्कुल पास पास इनके पार्टिकल्स होते हैं और इनमें पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह इनके साथ एक स्पॉन्ज आता है, जिसको कि एप्लीकेशन के हम लोग काम में लेते हैं। हम लोग स्पॉन्ज से इसको लगाते हैं पूरे फेस पे और इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी होती है, ऑयल को कंट्रोल करता है। सारे पाउडर्स का यही काम है कि ऑयल को कंट्रोल करता है और हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग देता है। तो इनके पिगमेंट बहुत पास पास होते हैं, तो इनकी क्या टाइमिंग और ड्यूरेशन बढ़ जाता है मेकअप का। अगर आप चाहें तो इस तरह से कॉम्पैक्ट भी आप एक या दो अपने पार्लर में रख सकते हैं। दो रख लीजिए ताकि मिक्स करके आप लोग मीडियम टोन बना लें। तो इस तरह से जो मेरे पास PSC ब्रांड के दो कॉम्पैक्ट पाउडर हैं, एक तो है 10 नंबर का और एक मैंने लिया हुआ है 03 नंबर का। तो इस तरह से आप दो ये पाउडर भी ले सकते हैं अपने सैलून के लिए। इसके बाद जो थर्ड हमारा है वो बनाना पाउडर है। बनाना पाउडर जिनकी भी डीपेस्ट स्किन टोन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई जो कस्टमर होते हैं हमारे, या हम लोग खुद भी कई लोग डीपेस्ट टोन के होते हैं, डीप होता है, मीडियम कलर होता है, तो जब मीडियम भी हो तब भी अगर हम लोग बनाना पाउडर का यूज़ करते हैं, इसमें थोड़े येलो पिगमेंट्स होते हैं, तो क्या और अच्छी फिनिश देता है हमारे फेस को। हम उसके ऊपर फेयर पाउडर ना लगा के मीडियम और डीप के ऊपर हम लोग अगर बनाना पाउडर का यूज़ करें तो और भी अच्छी फिनिश आती है। और बनाना पाउडर का भी यूज़ जब हम लोग करते हैं तो उसका भी वही यूज़ है कि वो हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है, अनइवन स्किन टोन को इक्वल करता है। तो बनाना पाउडर जो भी मीडियम रेंज की स्किन टोन के हों और जो भी डीपेस्ट में हो, वो लोग बनाना पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी उनके लिए। जितने भी लोग वार्म अंडरटोन के होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जिनमें गर्म अपना अंडरटोन होता है, तो जितने भी वार्म अंडरटोन के होते हैं, जिनको भी पिगमेंटेशन की या एक्ने स्कार्स की या आपके अंडर आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो भी बनाना पाउडर यूज़ करते हैं तो उसके उनके ऊपर भी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो जब भी मैं आपको मेकअप की क्लास दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कब कौन सा वाला हमें जो पाउडर है वो यूज़ करना है। तो इसके बाद जो हमारा पाउडर है वो है मिनरल पाउडर। मिनरल पाउडर हमको दोनों फॉर्म में मिलता है, लूज़ पाउडर में भी मिलता है और कॉम्पैक्ट में भी मिलता है। ये हमारी इच्छा होती है कि हमें कौन सा लेना है, हमें कौन से हम लोग वर्क अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। जितनी भी लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो लोग मिनरल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, उसके सेंसिटिव स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप अपने लिए परचेज़ करें तो किसी भी अच्छे ब्रांड का मिनरल पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मिनरल पाउडर के बाद जो हमारा पाउडर है वो है पाउडर फाउंडेशन। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये पाउडर फाउंडेशन मिक्स होता है। ये भी पाउडर इसी तरीके से जैसे कि जो प्रेस पाउडर है, कि जो भी लोग अपने ऑफिस वगैरह में वर्क करने जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम सब चीज़ की एप्लीकेशन करें और हमें अच्छा से एक लुक चाहिए होता है, तब हम लोग पाउडर फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो ये फाउंडेशन की भी लास्टिंग ठीक होती है, अगर फाउंडेशन के साथ इसे मिक्स करके लगाया जाए तो इसकी लास्टिंग बढ़ जाती है। बाकी ये फाउंडेशन ठीक रहते हैं जो लोग ऑफिस वगैरह में कैरी करना चाहते हैं, उनके लिए फाउंडेशन बहुत अच्छे रहते हैं। तो जो आपको लास्ट में दिख रहा है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये भी लूज़ फॉर्म में होता है और ये भी सब जो काम और पाउडर करते हैं, हमारे जो ऑयल को कंट्रोल करने का काम होता है और हमारे बेस को फिनिशिंग देने का, लॉन्ग लास्टिंग देने का हमारे फेस को, ये सारा काम पाउडर का होता है। तो पाउडर भी मैंने आपको बता दी कितने तरीके के आते हैं, हमने कौन कौन से रखे हुए हैं अपने पार्लर में, और आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं रखने। आप जिस भी ब्रांड का लेंगे, जैसे शुगर ब्रांड में भी आते हैं, मैबलिन में भी आते हैं, तो आप जब भी लोगे पाउडर को तो आप लोग दो शेड्स ले लेंगे, एक लाइट और एक डार्क, और मीडियम को आप अपने आप बना लेंगे, आपको उसके लिए ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं मेकअप स्टूडियो ब्रांड के यूज़ करती हूँ, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप भी ये दो पाउडर ले सकते हैं मेकअप स्टूडियो ब्रांड के। और बाकी मैंने PSC, मैंने आपको बताया कि मैंने जो कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ PSC ब्रांड का कर रही हूँ, तो आप भी ये दो पाउडर PSC ब्रांड के भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी छोटी सी वैनिटी बनाना शुरू कर दीजिए, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा सामान रखें, ताकि आपको जब हम लोग अब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो आप भी उन प्रैक्टिकल्स को अपने आप करके देखें और आपको जल्दी से समझ आए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कंसीलिंग करना और फाउंडेशन के बारे में बताया था, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी किस तरीके से हम वन बाय वन सारे स्टेप्स को करेंगे, ताकि हमारा बेस बन जाए। ये हमारे बेस तक बनने का पूरा काम हो चुका हुआ है, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, कंसीलिंग, फिर फाउंडेशन और उसके बाद पाउडर एप्लीकेशन। यहाँ तक हमारा बेस क्लियर हो चुका हुआ है। इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही आगे हम लोग नया चीज़ शुरू करेंगे। तो इतना कंप्लीट करने के बाद हम एक चीज़ की आपको और नॉलेज देंगे नेक्स्ट क्लास में, वो होगा सेटिंग स्प्रे, जिसमें आपको पता लगेगा कौन सा स्प्रे हमको परचेज़ करना है अपने क्लाइंट को, जो बेस है उसको और लॉन्ग लास्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। उसके बाद मैं आपको एक बेस पूरा क्लियर करके किस तरीके से बेस किया जाता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मेकअप पूरा होगा वो स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो क्लास होगी उसमें। तो आज की ये वीडियो इतनी ही, मैंने आपको पाउडर की डिटेल इसमें बता दी है। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID पर DM करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि पाउडर का क्या यूज़ होता है, तो ये बहुत बड़ी क्लास नहीं थी, छोटा सा इसके बारे में बताना था मैंने, वो आपको बता दिया। और जब आप करेंगे तो आपको ये और भी इजी लगेगा करने में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इनका यूज़ करना, वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें बताऊँगी। तो आज का ये वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, या आपको किसी भी तरह की क्वेरी करनी हो मेरे से पाउडर से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID पर DM करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।